उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में 8 फरवरी को भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हैं। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन का कहना है कि नजूल भूमि पर कथित रूप से अवैध रूप से बनी हुई एक मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया गया था। जब अधिकारी इस निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे तो स्थानीय लोग उग्र हो गए और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण से हिंसा में बदल गया। हल्द्वानी हिंसा के बाद पहाड़ के दूसरे जिलों में भी तनाव है। फिलहाल पुलिस अलर्ट पर है लेकिन यहाँ सारा सवाल ये उठता है कि नजूल भूमि आखिर है क्या और इसका मालिकाना हक किसके पास है, क्योंकि हल्द्वानी में भड़की हिंसा की जड़ कि नजूल की जमीन ही है। देश के तमाम शहरों और कस्बों में ऐसे साइन बोर्ड आपको लगे हुए मिल जाएंगे जिन पर ये लिखा होता है कि यह नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन क्या है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा उस दौर में जब भारत पर ब्रिटिश शासन था। लाइव लॉ के मुताबिक औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की कई सारी रियासतें ब्रिटिश हुकूमत की समर्थक थी तो कुछ ने इनके खिलाफ विद्रोह भी किया। ब्रिटिश फौज और विद्रोह करने वाली रियासतों के बीच कई सारी लड़ाइयाँ भी हुई। जो रियासतें अंग्रेजों के खिलाफ हुआ करती थी उनके पास आमतौर पर संसाधन कम होते थे, वो छोटी होती थी, जबकि अंग्रेज आधुनिक हथियार से लैस थे। वहीं जब कभी भी किसी आम व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई जाती या विरोध किया जाता तो ये कोई हिंसात्मक गतिविधि हो जाती, तब उन्हें अंग्रेज मुकदमा लगाकर जेल में डाल देते। युद्ध में जो राजा या विद्रोही हार जाता अंग्रेज सरकार अक्सर उनकी जमीन छीन लेती थी और कभी कभी ये भी होता कि जो लोग विद्रोह करते थे बाद में उन्हें अपना शहर और गांव छोड़कर भागना पड़ता था। ऐसे में अंग्रेज उन्हें फरार घोषित करके उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। कब्जा की गई जमीन को नजूल की जमीन कहा गया। नजूल की जमीन का अर्थ होता है सरकारी जमीन। 1947 में आजादी के बाद जिन जमीन मालिकों से अंग्रेजों ने जमीन हड़पी थी उनके वारिसों को वापस लौटा दी गई, लेकिन कई सारी जमीन ऐसी थी जिनके वारिस ही नहीं बचे थे। इस जमीन को नजूल की जमीन का नाम ही दिया गया। आजादी के बाद ये नजूल की जमीन का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है लेकिन अक्सर इन्हें सीधे तौर पर राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता। राज्य सरकार आमतौर पर ऐसी जमीन को किसी एक निश्चित समय के लिए किसी को पट्टे पर आवंटित करती है। लीज का समय होता है 15 से 99 साल के बीच। अगर समय खत्म हो गया है तो ऐसे में उस जमीन को इस्तेमाल कर रहा व्यक्ति स्थानीय प्रशासन के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करता है और उनसे अनुरोध करता है कि उसे ये जमीन दोबारा से लीज पर दे दी जाए। यहाँ इस बात पर गौर करना बेहद जरूरी है कि सरकार नजूल की जमीन वापस लेने, पट्टे को दोबारा लीज पर देने या इसे रद्द करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में तमाम संस्थाओं को नजूल जमीन आवंटित की गई है। तो आखिर क्या कहता है नजूल की जमीन के बारे में कानून? अलग अलग राज्यों में नजूल भूमि से संबंधित अलग अलग नियम और कानून है। हालांकि नजूल भूमि स्थानांतरण नियम 1956 वो कानून है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर नजूल भूमि निर्णय के लिए किया जाता है। सरकार आमतौर पर नजूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक कामों जैसे स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत की भवन बनाने आदि के लिए करती है। देश के कई सारे शहरों में नजूल भूमि के रूप में चिन्हित जमीन के बड़े हिस्से को आमतौर पर पट्टे पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी आवंटित किया जाता है। तो क्या हल्द्वानी की जमीन नजूल की जमीन थी? हल्द्वानी जिला प्रशासन के अनुसार जिस जमीन पर मस्जिद और मदरसा बना है वो नगर निगम के नजूल भूमि के रूप में रजिस्टर है। प्रशासन का कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से सड़क को जाम से मुक्त कराने के लिए अवैध संपत्तियों को तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में मस्जिद और मदरसा संचालकों को 30 जनवरी को नोटिस देकर ये कहा गया कि आप उस मस्जिद और मदरसे की जो जमीन है उसका मालिकाना हक साबित करें, अगर ऐसा नहीं किया गया तो 3 दिनों के अंदर इस अतिक्रमण को वहां से हटा लें। लेकिन जब संचालकों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया तो 8 फरवरी को प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया जिसके बाद वहां दंगा भड़क गया। हल्द्वानी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।